कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही उथल पुथल भरा रहा। आपको खबर मिल ही चुकी होगी दोस्तों कि पंजाब कांग्रेस में जो नवनियुक्त अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी अध्यक्ष के पद से। और अभी 2 महीने पहले ही उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसको लेकर खूब खींचतान चली थी। तो आपको मालूम है कि किस प्रकार से वहां पर विवाद रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में। आखिरकार हाईकमान को फिर फैसला लेना पड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर दोस्तों समय बीतता गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब जो मामला है पंजाब कांग्रेस के बीच वो अब शांत है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच बीच में जैसे ही कैप्टन के बयान मीडिया के सामने आते थे पार्टी को लेकर और नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, उससे पार्टी के अंदर एक डर ही पैदा हो रहा था कि कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ ही आगामी विधानसभा चुनाव में ना उतर जाएं। क्योंकि दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी थी कि वो सिद्धू के खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे और सिद्धू को हराने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। तो इन सब बातों को लेकर ये विवाद चल रहा था दोस्तों। तो आज अचानक से ही ऐसी खबर आई कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें दोस्तों, इधर तो पंजाब कैबिनेट का गठन हुआ था परसों, आज मंत्रियों को विभाग वितरित किए गए थे और इधर नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और वहीं खबर ये भी है दोस्तों कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज ही दिल्ली गए हैं, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह गृह मंत्री से हो सकती है। तो इन सब बातों के बीच दोस्तों ये हैरानीजनक फैसला जो नवजोत सिंह सिद्धू ने लिया है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की उथल पुथल अब मची हुई है वहां पर पार्टी के अंदर कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों एक खबर और इसी बीच आपको आज ही की बता दें, जिसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी में आज 2 नए चेहरे शामिल हुए हैं और वो हैं गुजरात से जो निर्दलीय विधायक थे जिग्नेश मेवानी, और दूसरे कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़े 2019 में गिरिराज सिंह के लोकसभा क्षेत्र से, जहाँ पर अब गिरिराज MP है, उसी सीट से कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट नेता है वो चुनाव लड़े थे। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन अब वो कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इन सब खबरों के बीच कहीं सुख कहीं दुख जो खबरें हैं कांग्रेस के लिए, तो क्या ये समावेश बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये तो आगामी विधानसभा चुनाव से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और इसका जो कारण नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा है उसने सिर्फ ये लिखा है कि जब आदमी का पतन उसके समझौते से होता है और मैं कांग्रेस पार्टी के भविष्य और पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता। मतलब कहने का उनका ये है कि जब आदमी अपने किसी कार्य को करवाने के लिए झुकता है या गिरता है या समझौता करता है अपनी भावनाओं के साथ, तो उसका पतन शुरू हो जाता है और मैं वो पतन नहीं चाहता। मैं कांग्रेस पार्टी के भविष्य और पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता। ये शब्द उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में लिखे हैं जो सोनिया गांधी को भेजा है। तो इस प्रकार से ये उथल पुथल अब जारी है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होगा या क्या नहीं। इस पर दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो बयान आया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं तो पहले ही बोला था कि ये पंजाब के लिए सही आदमी नहीं है। तो इस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं जो कि एक तरह से वाजिब भी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में सवाल उठाना वाजिब है और सबका हक है, सब सवाल उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं 2022 में वो लंबे लगभग 4 महीने बाकी हैं और उससे पहले ये इस तरह के फैसले कहीं कांग्रेस की लूटिया ले न डूबे, एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और दोस्तों आपको याद होगा आज देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म दिवस है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए दोस्तों, तो पंजाब दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा भारत के पास है और एक
दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान वाले हिस्से के पंजाब के बागा गांव में हुआ था। तो आपको बता दें उनका परिवार पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में लगा हुआ था भारत को आज़ाद कराने के लिए। बाद में भगत सिंह भी इसी जुनून के साथ इस राह पर चल पड़े थे। दोस्तों उनकी उम्र बहुत कम थी लेकिन उन्होंने तब भी बहुत योगदान भारत की आज़ादी में दिया था। फिर चाहे दिल्ली की असेंबली में बम फेंकना हो, जेल में रहकर भूख हड़ताल करना हो, या फिर ब्रिटिश शासन के पुलिस अफसर से बदला लेने वाली घटना हो, ये सब घटनाएं दोस्तों भगत सिंह की आज़ादी के योगदान में शामिल हैं। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी काफ़ी पढ़ाई की, उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी लेख लिखे, जिनके लिखे हुए लेख आज भी काफ़ी चर्चित हैं। दोस्तों भगत सिंह को दोस्तों मात्र 24 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। दोस्तों उनके जन्म दिवस पर आज हम उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं, क्योंकि दोस्तों भगत सिंह सहित लाखों नौजवानों ने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी थी उसे किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।